रहा डायरेक्टर साहब, कहाँ जा रहा है वो? तेरी वजह से तो हम मिले। एग्जैक्टली। हाउ आर यू सर? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। वैलेंटाइन डे पे हैप्पी वन। कुछ स्पेशल देखो आप यहाँ पर आ गए मेरे लिए। आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। सेवा के आ गए फोरेंसिक वाले आए तेरे पीछे देख। फोरेंसिक टीम जिंदाबाद। हैप्पी वैलेंटाइन। हाँ कैसे हो आप? हाँ सर, हाँ थोड़ा बताइए सर। क्या बताएं? तो क्या कुछ अपकमिंग कुछ क्या आ रहा है सर आपका? अपकमिंग ये डायरेक्टर है हमारे। अच्छा। इनके साथ हमने एक फिल्म की है, वो सबसे पहले लगेगी फोरेंसिक। अच्छा। उसके बाद पंजाबी पिक्चरें दो तीन वो लगेंगी, शूटिंग करने जा रहे हैं पंजाब। ये पिक्चर बहुत मज़ेदार कॉमेडी है। अच्छा। जसविंदर बल्ला जी के साथ बहुत बहुत मज़ेदार, क्या कॉमेडी मिलते स्क्रिप्ट हासिल के गिर गया मैं। अभी जाऊँगा 20 तारीख। फिर मिनी फिल्म तो हमारा है ही, मानसी जी और वरुण अभी आएंगे, वो लोग उनको yes, पकड़ लेना। कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, पता नहीं क्या क्या। वो रस्किन बॉन्ड की स्टोरियां बनेंगी। ओके। उसमें भी 99% होंगे, पता नहीं 1% का। सर एक पिक्चर है बाल नरेन, वो भी आएगी। हाँ ओके सर। आपकी दोस्त जो राकेश सावंत जी है, उनका भी उनके पति के साथ थोड़ा ब्रेकअप का हुआ, सेपरेट हो गए, तो उनके बारे में क्या है आपका क्या? बहुत सैड है, उसके नसीब में हर टाइप की खुशी नहीं लिखी, लेकिन लोगों को हंसाना लिखा है। यस सर। हम सबको इतना हंसाती है उसके वीडियो देख के, उसकी बातें सुन के हम सबको बहुत मज़ा आता है। लेकिन हर किसी को नहीं हर चीज़ मिलती। okay. और उसको प्यार, आई थिंक उसके बैड लक चल रहा है। मॉम के साथ ठीक है। so, वही सर, कुछ लोग ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि वो जस्ट बिग बॉस के लिए गई थी साथ में। देखो मुझे भी यानी राखी का समझ नहीं आया, उसने मुझे बोलती रहती थी मेरा है रितेश है रितेश है, तो रितेश तो आ गया। आ गया, आ गया। अब रितेश आ गया, दिख गया। लेकिन राखी के साथ आई थिंक ये बैड लक ही है उसको, यानी सबको नहीं मिलता। मैं बता रहा हूँ प्यार बहुत हार्ड चीज़ है। आज वैलेंटाइन डे पे मैं बोल रहा हूँ कि राखी सावंत इज़ फैंटास्टिक, लेकिन लव मैटर में उसकी बैड लक है। और रितेश का कोई स्टोरी समझ ही नहीं आई मुझे, मैंने इस बार बिग बॉस देख नहीं पाया, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग मच अबाउट इट। लेकिन राखी राखी एंड लव। और आपकी दोस्त रश्मि देसाई का भी कल बर्थडे था, तो क्या सेलिब्रेट किया? कल रश्मि का बर्थडे था। यस सर। मैंने उसको विश कैसे नहीं किया तुम्हारी रश्मि देसाई। बंद करो अभी। सर राखी जी से मिले आप? क्या मिलने वाले? राखी जी से कल मेरी फोन पे बात हुई। अच्छा। और उसी में ये बैड लक और ये बैड न्यूज और ये सब आ गई, तो हम सो अपसेट। ये बर्थडे जो है ना, एक तो याद ही रहता है मुझे अपना बर्थडे नहीं याद रहता, लोगों को मुझे बताना पड़ता तेरा बर्थडे कभी। लेकिन अभी बिलेटेड बर्थडे हो गया सर। ट्विटर पे कैसे नहीं मुझे दिखा? ट्विटर खोला ही नहीं होगा शायद। अच्छा, नहीं खोला होगा। इंस्टाग्राम पे परसों भी सब स्टोरी डाल रहे थे सब, अलग फैंस लोग सब बर्थडे विशेस कर रहे थे। रश्मि देसाई है, आई लव हर, आई विश हर द मोस्ट अमेजिंग बर्थडे। बहुत ही वंडरफुल स्वीट लड़की है। बिग बॉस के टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा लिख दिया था, लेकिन बाद में मिली पहली बार, और जब से मिली है तब से मेरे बहुत क्लोज है। ब्लू स्काई करने नेल्स पे आती है तो बहुत ज़्यादा हम बैठ के कपड़े मारते हैं। आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक सर। देसाई, देवोलीना, ये सब बहुत ब्यूटीफुल लड़की है। ओके सर, कंगना का भी एक शो आ रहा है लॉकअप, तो आपको पता है क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को भी लॉकअप में अभी लेके आने वाले, और जो बॉलीवुड के सेलेब भी आने वाले हैं, तो क्या आप? नहीं, मुझे लगता है ये कोई शो के लिए, मेरे को भी फ़ोन आया था इस शो के लिए थोड़ी देर पहले। अच्छा। तो शायद यही शो है। अच्छा, गुड लक। तो आपको हमको देखने मिलेगा मतलब लॉकअप में? मुझे आया था फ़ोन, मैंने किया नहीं क्योंकि आई थिंक यानी अभी हम लोगों ने बिग बॉस कर लिया, बिग बॉस जीत गए, उसके ऊपर क्या हो सकता है बिग बॉस के ऊपर। कंगना का जो होस्ट है, हाँ, बिग बॉस कंपेयर करो तो क्या लगता है कुछ कितना अलग होगा? सलमान खान के सामने आप कंगना रनौत को कंपेयर करोगे तो बिल्कुल आई डोंट थिंक सो फेयर होगा। शील डू अ ओन बेस्ट करेगी वो, बट सलमान खान, अमिताभ बच्चन, या दीस गाइस दे आर द बेस्ट। एंड बिग बॉस अलग शो है, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक एकता कर रही है, तो एकता बहुत ब्रेनी है, वो जानती है पब्लिक का पल्स क्या है, और अच्छा शो बनाएगी हम शो। एंड कंगना है, She'll also rock it. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much.